Today in this video, I will tell you how do I earn 1 lakh per month through my YouTube channel. आज के इस वीडियो में मैं सारी चीज़ें बताऊंगी कि मुझे कितना टाइम लगा 1 लाख अर्न करने में, तुम कैसे कर सकते हो और मुझे किस किस तरीके से और किस किस जगहों से ये अर्निंग पूरी कंप्लीट होती है. एंड लेट मी टेल यू, 1 लाख इज नॉट अ फिक्स्ड प्राइस. कभी कभार मेरा जो अमाउंट होता है 1 लाख से प्लस हो जाता है, डिपेंडिंग ऑन द काइंड ऑफ स्पॉन्सरशिप आई एम गेटिंग एंड डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ व्यूज आई एम गेटिंग इन दैट पर्टिकुलर मंथ. सो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स स्टार्ट द वीडियो. फर्स्ट थिंग फर्स्ट, लेट मी टेल यू कि मैंने अपने चैनल की शुरुआत कब करी थी. मैंने अपने चैनल की शुरुआत करी थी मई 2020 में, बट द एंटायर 2020 आई वॉज नॉट डूइंग एनी काइंड ऑफ हार्ड वर्क. आई वॉज जस्ट डूइंग वेरी वेरी स्मॉल वर्क फॉर माई यूट्यूब चैनल. बट 2021 में मैंने इसमें रिगरस एफर्ट डालना शुरू करा. मैंने रिगरसली 2 से 3, इनफैक्ट कई वीक्स में 4 वीडियोज़ पब्लिश करना शुरू करी. और जब मैंने 3-4 वीडियोस पब्लिश करना शुरू करी तो मेरा चैनल ग्रो होने लगा एंड आई स्टार्टेड गेटिंग सब्सक्राइबर्स एंड ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ मनी थ्रू माय यूट्यूब चैनल. उसके अलावा एक बात मैं एकदम क्लियर कर देती हूँ कि मेरी जितनी भी ग्रोथ है सारी ऑर्गेनिक है. मैंने आज तक अपने यूट्यूब चैनल के लिए एक भी पैसा नहीं लगाया है और इसीलिए एक साल में शायद मेरे 64,000 या 65,000 सब्सक्राइबर्स ही हुए हैं. और अगर मैं इसमें अभी पैसा लगा दूं या इन्वेस्टमेंट कर दूं, गूगल ऐप्स रन कर दूं, तो आई एम वेरी श्योर विद इन मंथ्स मेरी ग्रोथ फास्ट फॉरवर्ड हो जाएगी. बट आई रियली डू नॉट वॉन्ट टू डू दैट. आई एम वेरी हैप्पी एंड पीसफुल मेरी अपनी ग्रोथ से, जो कि स्लो ऑर्गेनिक और बहुत ही अच्छी हो रही है इन टर्म्स ऑफ मनी. सो अब हम मुद्दे पे आते हैं कि बात करते हैं कि हमें YouTube के थ्रू अर्निंग्स कितनी कितनी हुई हर मंथ. अब हम मैं यहाँ पे 2022 की ही अर्निंग्स दिखाऊंगी क्योंकि यहाँ से ही 2022 की जनवरी से ही मुझे 1 लाख पर मंथ आना रिसीव हुआ, तो इसीलिए हम उसकी बात करेंगे. अब ये जो मेरी YouTube की अर्निंग है ये 2 तरफ से आती है. सबसे पहले ये हमारा गूगल एडसेंस और दूसरा है हमारा स्पॉन्सरशिप. जो गूगल एडसेंस है उसकी अर्निंग डिपेंड करती है नंबर ऑफ द व्यूज यू गेट इन पर मंथ, और जो स्पॉन्सरशिप है उसकी अर्निंग डिपेंड करती है कि तुम्हें हर मंथ कितने स्पॉन्सरशिप आते हैं या तुम कितने लोगों को कोल्ड ईमेल करते हो स्पॉन्सरशिप लेने के लिए. सो हर मंथ ये जो अर्निंग्स है ये वैरी करती रहती है. बट अगर गूगल एडसेंस की बात करूं, अगर तुमने इस मंथ सपोज 40,000 अर्न करा है तो नेक्स्ट मंथ तुम 45,000 भी जा सकते हो और या नेक्स्ट मंथ तुम 35,000 भी जा सकते हो. बट यू विल नेवर फॉल डाउन बिलो 35,000 इफ यू पोस्ट रेगुलर कॉन्टेंट. तो चलो अब मैं अपनी यूट्यूब स्टूडियो में चलती हूँ और पहले दिखाती हूँ तुम्हें अपने गूगल एडसेंस की अर्निंग. अब अगर मैं यहाँ पे देखूँ, फरवरी में गूगल एडसेंस के थ्रू मेरी अर्निंग हुई थी 24,000. ये जो फरवरी था इसमें मुझे 2 बहुत बड़े बाहर के स्पॉन्सर्स मिले थे. दे पेड $500 फॉर 1 वीडियो. सो इसी वजह से फरवरी का जो मेरा अर्निंग था अराउंड 97,000 या 98,000 टोटल हो गया था. और मार्च में मुझे अगेन 24,614 गूगल एडसेंस के थ्रू मिले और उसके अलावा जो बाकी अर्निंग्स थी स्पॉन्सर्स के थ्रू हुई थी. अप्रैल में देखो, जो मेरा गूगल एडसेंस का रेवेन्यू था वो 14,000 बढ़ गया एंड आई अर्न 38,000. मई में 44,000, देन जून में 49,000 और जुलाई में अभी तक 35,000 हो चुका है और अभी जुलाई कंप्लीट नहीं हुआ है. तो आई बिलीव जुलाई में अगेन मेरा जो रेशियो होगा ये हो जाएगा कुछ 50,000. तो ये अर्निंग हो गई मेरी गूगल एडसेंस की. इसके अलावा स्पॉन्सर्स भी काफ़ी अच्छा पे करते हैं. मैं मंथ में 2-3 से ज़्यादा स्पॉन्सर्स नहीं लेती, बट लेट मी टेल यू, मेरे पास इतने स्पॉन्सर्स आते हैं कि अगर मैं हर एक की स्पॉन्सरशिप लेने लगूं तो मेरी अर्निंग ये जस्ट डबल हो जाएगी. आई कैन ईजली टर्न अराउंड 2 लाख 3 लाख पर मंथ थ्रू माई यूट्यूब चैनल. और मैं तब बात कर रही हूँ जब मेरा एक स्मॉल चैनल है. आई ओनली हैव 64,000-65,000 सब्सक्राइबर्स ऑन माई चैनल. सो इमेजिन करो, अगर तुम्हारे चैनल के जो सब्सक्राइबर्स है वो बढ़ जाएंगे तो तुम्हें कितने ज़्यादा स्पॉन्सर्स आएंगे, तुम्हें कितनी ज़्यादा अर्निंग होगी. एंड लेट मी टेल यू, ये सारा काम मैं सिर्फ और सिर्फ वीक में 4 से 5 घंटे करती हूँ. यानी कि मैं यूट्यूब को सिर्फ और सिर्फ 4 से 5 घंटे देती हूँ वीक में और तब मेरी इतनी अर्निंग्स होती है. तो अगर तुम्हारे पास टाइम है, यू हैव द एंटायर डे टू वर्क, आई वुड सजेस्ट यू स्टार्ट अ यूट्यूब चैनल राइट अवे. यूट्यूब चैनल पे अगर तुम 6 महीने से लेकर 1 साल मेहनत कर लो, आई कैन गारंटी यू विद इन 1 ईयर यू विल गेट अ कॉन्स्टेंट अर्निंग ऑफ मिनिमम 40,000-50,000 सब्सक्राइबर्स और एडसेंस मिला के. और अगर तुम 2-3 साल तक रेगुलर मेहनत करते रहो तो यूट्यूब कैन बी योर बेस्ट अर्निंग सोर्स. यूट्यूब का पोटेंशियल इतना ज्यादा है. तो आई वुड सजेस्ट यू स्टार्ट अ यूट्यूब चैनल राइट अवे. But
YouTube चैनल स्टार्ट करने से पहले यू हैव टू फिगर आउट कि तुम वीडियोस किस पे बनाओगे। अगर तुम्हारे वीडियोस तुम्हारी ऑडियंस की लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड करते हैं, चाहे वो तुम्हारी एकेडमिक्स की नॉलेज हो, तुम्हारे चाहे करियर से रिलेटेड नॉलेज हो, चाहे कोई टेक्निकल नॉलेज हो, या एंटरटेन करते हो, अगर तुम इन चारों में से कोई भी तरीके की नॉलेज या एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करते हो ऑडियंस को, देन योर ऑडियंस विल डेफिनेटली लाइक योर कॉन्टेंट। जो हमारी इंडियन ऑडियंस है ना, वो बहुत ही भोली है, बहुत आराम से तुम्हें पसंद करना शुरू कर देती है, बिकॉज दे लाइक माइंडेड पीपल। उन्हें लगता है तो हम जो यूट्यूब चैनल क्रिएटर्स हैं उनमें से एक ही हैं, और इनफैक्ट हम सब एक ही हैं। सो अगर तुम एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाहते हो, कम अप विद अ वेरी गुड आइडिया, इनोवेटिव आइडिया एंड हटके आइडिया, जो बाकी लोग इंडस्ट्री में नहीं कर रहे हों। अगर मैं अपनी बात करूँ, मैंने अपनी चैनल कॉन्टेंट राइटिंग से स्टार्ट करा था। अभी तक कोई भी ऐसा यूट्यूबर नहीं है जिसने कॉन्टेंट राइटिंग पे इतनी सारी वीडियोज़ बनाई हों। कॉन्टेंट राइटिंग की डिमांड बहुत ज़्यादा थी, लोग उसके बारे में ढूंढ रहे थे, मैंने उसी पेन पॉइंट को पकड़ा और उसी पे वीडियोस बनाना शुरू करी, और इसीलिए मेरा चैनल ग्रो करा। तो सबसे पहले यू हैव टू रिसर्च एंड फाइंड आउट कि वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो लोग इंटरनेट पे सर्च कर रहे हैं, उनको आंसर नहीं मिल रहा है, उनकी जो क्वेरीज हैं वो सॉल्व नहीं हो रही हैं। उसको उठाओ, उसको सॉल्व करना शुरू करो। आई कैन गारंटी यू, यू विल गेट मैसिव अमाउंट ऑफ सब्सक्राइबर्स, मैसिव अमाउंट ऑफ मनी विद इन 1 or 2 years ऑफ योर यूट्यूब जर्नी। विश यू ऑल द बेस्ट। अगर तुम्हें एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना है, स्टार्ट इट राइट अवे विद यूनिक कॉन्टेंट, विद यूनिक वीडियो आइडियाज एंड लॉट ऑफ एनर्जी। आई विश यू ऑल द बेस्ट। अभी के अभी जाओ और अपना यूट्यूब चैनल ओपन करो। आई कैन गारंटी यू, यू विल गेट सक्सेस नॉट प्रिटी सून बट विद इन 1 or 2 years ऑफ योर यूट्यूब जर्नी।